गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज इट मीन्स 2.2 है ना, 2.2 डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स में। तो आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है हम क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सिखाएंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है सर, वो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस, है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जीरोस के बारे में हमने डिस्कस किया था आपको, तो यहाँ क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है सर, उसका जीरोस निकालना है और एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इट मीन्स में एक नया टर्म एड हो गया, इट मीन्स रिलेशनशिप बताना है सर किसके बीच, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मेन रूप से एक्सरसाइज 2.2 में इसी को पढ़ना है, रिलेशनशिप के बारे में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करते जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फॉल हमको क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस, क्या निकालना है, जीरोस निकालना सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इट मींस इसको फैक्टर के फॉर्म में लाना है सर। तो आइए सबसे पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ने के लिए सीखते हैं। ये प्रीवियस क्लास में आप इसको सीखे हैं कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं सर, इट मींस इसमें मिडिल टर्म को एक्सप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो लास्ट टर्म इट मीन्स अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिएगा तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स प्लस माइनस एट। ये है, हमेशा ये प्लस के साथ ऐड रहता है, ये जो माइनस है अंदर में। तो होता क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्टली, तो कितना आ जाएगा, माइनस एट एक्स स्क्वायर, माइनस एट एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या चाहिए, माइनस टू एक्स चाहिए, प्लस माइनस माइनस टू एक्स होगा ना। ये सिर्फ आपको समझने के लिए हम ऐसा आपको लिखे हैं, क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में रहेगा, इट मींस क्वेश्चन हमारा ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसको इससे इंटू करेंगे, तो ये माइनस एट और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एट इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एट एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है सर, मिडिल टर्म में क्या, यहां यहां माइनस टू एक्स है। तो आप एक चीज को गौर कीजिए, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ गया सर, तो जो मिडिल टर्म जो आपका एक्सप्लीट होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, इट मींस एक प्लस में होगा सर और सेकंड माइनस में होगा, ये पक्का है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू यहां, है ना, माइनस में। इट मींस माइनस एट को फैक्टर में तोड़ेंगे, तो सबसे इजी है कि कितना में इसको ब्रेक करें कि मेरा माइनस टू आ जाए। तो अगर देखिए माइनस फोर इंटू टू कीजिए तो माइनस एट हो जाएगा, और अगर माइनस फोर प्लस टू करते हैं तो हमारा माइनस टू आ जाएगा सर। ये आप सीखे हैं क्लास नाइन्थ में ही सीखना है, लेकिन एक बार फिर से हम ये बता रहे हैं कि मिडिल टर्म को कैसे एक्सप्लीट करते हैं सर। इट मीन्स सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके आता है तो वेरिएबल को थोड़े देर के लिए भूल जाइए, इट मीन्स एक्स स्क्वायर को भूल जाएंगे सर, सिर्फ कॉन्स्टेंट पे कंसेंट्रेट कीजिए। इट मीन्स हमको माइनस एट ये क्या करके आना चाहिए, इंटू करके माइनस एट, और प्लस करने के बाद माइनस टू आना चाहिए सर, जो यहाँ पे है। इट मीन्स वेरिएबल को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ कांस्टेंट पे कंसंट्रेट करते हैं, तो प्लस करने पे माइनस टू और इनटू करने पे माइनस एट। तो देखिए अगर ये दोनों नंबर का प्लस करते हैं तो माइनस टू आ गया सर, और ये दोनों को जब आप इंटू कीजिएगा तो माइनस एट आ गया। तो वैसे ही दो नंबर को यहां लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और मिडिल टर्म एक्सप्लीट इसको बोला जाता है, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, एक्स ऐड हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और लास्ट में हम माइनस एट लिख देंगे।
तो एक बार फिर से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा सर, तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इट मींस उसका मिडिल टर्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर। तो फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर नंबर आपका निगेटिव आया तो जो मिडिल टर्म होगा उसमें एक प्लस साइन होगा, एक माइनस साइन होगा, ये पक्का है। और अगर पॉजिटिव होगा तो सेम साइन होगा, इट मींस अगर ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इट मींस जो दो टर्म होगा सर हमारा दोनों सेम साइन होगा। कब? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो सेम साइन रहेगा मिडिल टर्म का। ये हम इसको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा निगेटिव आ गया तो हम क्या बोले, अपोजिट साइन होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो कौन निगेटिव होगा सर और कौन पॉजिटिव होगा ये तय करेगा ऊपर जो लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 माइनस 2 करते तो 2 आ जाता ना, और हमको चाहिए माइनस 2, इट मींस अगर इसको माइनस और इसको प्लस करते हैं तो मेरा काम बन गया सर, इसलिए हमने इसको माइनस किया और इसको प्लस किया। मेन इसी को समझना है इसमें। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ x बच गया सर माइनस यहाँ 4 प्लस। अब एक आपको हिंट देगा, जो इधर आया है सर सेम चीज इधर भी कॉमन आना चाहिए सेम, तो यहाँ देखिए ये दोनों में 2 कॉमन सर, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब देखिए ये एक टर्म है आपस में, ये एक टर्म है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों में आप देख रहे हैं x माइनस 4 कॉमन है ना, तो x माइनस 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो इस टर्म में x बच गया सर और इसमें 2 बच गया। तो देखिए आपका दो फैक्टर आ गया ना। तो हम आपको बताए थे कि हमको सबसे पहले क्या करना है सर, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको फैक्टर के फॉर्मेट में ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है? फैक्टर के फॉर्मेट में। अब ये जो आपका फैक्टर के फॉर्मेट में आया उसके बाद क्या करना है वो स्टेप हम अभी लिख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि जिस तरीका से हम बना रहे हैं आपको भी उसी तरीका से बनाना है, क्योंकि बोर्ड में आपको उसी अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारा इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। इज 0 कब होगा? इफ, इट मींस हमको जीरोज निकालना है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें बोला है कि फाइंड द जीरोज, है ना, तो पहला टाइप हम बना रहे हैं, इट मींस जीरोज निकाल रहे हैं पहले, उसके बाद हम रिलेशन के पास जाएंगे जो हमको रिलेशन निकालने के लिए बोला है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहले जीरोज निकाल रहे हैं, तो जीरोज का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसको अगर इसमें पुट करें सर तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो कर देगा। तो यहां लिखे द वैल्यू ऑफ दिस इज जीरो, ये जीरो कब होगा, इफ, चाहे ये जीरो होगा सर या ये जीरो होगा, तब नहीं, अगर इसको जीरो कर देते हैं तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा सर, या इसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं सर तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो यहाँ पे दो ही केस बनता है, इफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो और करके एक सेकेंड इधर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या देख रहे हैं सर, अगर इतना इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो x का वैल्यू आपका आएगा 4, और अगर इधर से जीरो करते हैं सर, इट मींस इधर सेकंड वन है, इसमें x इज इक्वल टू माइनस 2, तो आपका दो वैल्यू आया, एक x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2, इट मींस ये जो दो वैल्यू आया सर ये हमारा जीरोज है। जीरोस का मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आ सकता है कि नहीं, लेकिन इसको बनाना नहीं है, बस दिखाने के लिए आगे वाला स्टेप हम कर रहे हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है ना। अब हम सबसे पहले एक्स का वैल्यू 4 पुट कीजिए आप इसमें, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, अगर आप ऐसा कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16,
8 कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 जीरो आ गया सर। इट मींस क्लियर हो गया कि ये हमारा जीरोज आ गया सर, जो पूछ रहा था फाइंड द जीरोज। तो x इज इक्वल टू 4 जीरोज है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू 4 पुट किए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो गया। सेकेंड वन एक और वैल्यू है सर, x इज इक्वल टू माइनस 2, आइए उसको भी इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ये हमारा स्टेप नहीं है। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 जा 4 और माइनस 8, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0। आप देखिएगा कि ये दोनों वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किए सर तो 0 आ गया। तो ये क्लियर कर दिया कि ये क्या है, ये दोनों जीरोज है सर। हम क्लियर हो गया ये हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा यहां तक जो बनाए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, इट मींस फाइंड द जीरोज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन है रिलेशनशिप पूछ रहा है, इट मींस कि दोनों के बीच रिलेशनशिप बताइए, किसके बीच, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच। तो आइए अब उसके बारे में जानते हैं कि रिलेशनशिप क्या होगा सर, इसको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इसमें जो एक टाइप और है, एक क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है, एक पूछ रहा आपका जीरोस और सेकंड वेरीफाई करने बोला, इट मींस वेरीफाई का मतलब प्रूफ। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आपका नेक्स्ट जो आपका टर्म होगा इसमें हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय, ये फार्मूला की तरह है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस अगर सम ऑफ जीरोज पूछेगा जब भी तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखें। क्यों एक्स लिखें, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां एक्स के फॉर्मेट में है। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर के फॉर्मेट में होता, इट मींस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8 होता, तो हम यहाँ पे लिखते कोएफिशिएंट ऑफ p, लेकिन x के फॉर्मेट में है तो हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सम दो जीरोज आपका आ चुका है ना, अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे इसके प्लेस पे, तो हमारा पहला जीरोज कितना है 4 और प्लस सेकंड जीरो हमारा माइनस 2 है सर। लिख दिए सम ऑफ जीरोज की तरफ LHS में इज इक्वल टू, अब यहां पे माइनस का साइन है दे दिए। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x बोल रहा है तो आपको किसके बारे में लिखना है, x का कोएफिशिएंट, इट मींस x के साथ इनटू में क्या है सर। तो आपको पता है क्या x के साथ इनटू में क्या है, यहां देखिए आप यहां भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो x के साथ इनटू में सर वही उसका कोएफिशिएंट होता है। तो गौर कीजिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 बोल देंगे, ये माइनस भी इंक्लूड होगा, इट मींस x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो माइनस 2, तो यहां हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के प्लेस पे माइनस 2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है सर, x स्क्वायर के साथ इनटू में क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, इट मींस 1 है। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो उसके प्लेस पे हम लोग 1 लेंगे। अब देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है 4 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, ये 2 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज मेरा सेम आ गया सर, इट मींस यहां पे जो दोनों जीरोज आया था ये दोनों को LHS ये साइड में हमने लिख दिया 4 प्लस माइनस 2 क्योंकि सम ऑफ जीरोज, और यहां फार्मूला से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है सर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमने लिखा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट पूछ रहा सर, इट मींस x के साथ इनटू में क्या है तो माइनस 2 है सर, और बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर के साथ इनटू में क्या है सर तो 1 है।
अब जब कैलकुलेट किए तो देखे दोनों साइड सेम आ गया, इट मींस ए वेरीफाई हो गया। तो अभी पूरा वेरीफाई नहीं हुआ, सम ऑफ जीरोज निकला। हमको रिलेशन निकालना, इट मींस इसमें दो चीज निकालना है आपको, एक सम ऑफ जीरोज और एक सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक पॉइंट निकल गया है, एक और निकालते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। इट मींस एक फार्मूला हम लोग जान गए सर कि अगर सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे रहेगा। देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी है नीचे, तो चेंज क्या हो रहा है सर, एक बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक बार कॉन्स्टेंट टर्म। तो आप जान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, आपका माइनस एट। अगर निगेटिव रहेगा तो उसको इंक्लूड करके बोलेंगे सर, प्लस रहेगा तो अंडरस्टूड है। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में फिर हम ये दोनों जीरोज को लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। इट मींस यहाँ पे 4 इंटू क्या करेंगे, -2, क्योंकि प्रोडक्ट है सर, इज इक्वल टू। अब देखेंगे ये दोनों सेम आ रहा कि नहीं सर। अब कॉन्स्टेंट टर्म लिखना है, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है आपका, -8 है सर, -8 लिख दिए बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर वही आएगा 1, तो यहां नीचे 1, ये 4 2 -8 -8 हो गया, इधर भी -8। यहां भी देख रहे हैं कि दोनों सेम आ गया सर, LHS और RHS इसमें भी इक्वल आ गया। इट मींस ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो कि आपसे पूछ रहा था, फाइंड द जीरोज और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट। इट मींस जब भी रिलेशन पूछेगा तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसी तरीका से आप निकालिएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। यस सर। किसी को समझने में कहीं दिक्कत, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। सेम एज है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। यहाँ पे S है, आप SE के फॉर्म में लिखिएगा। चलिए बनाइए तो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या पूछ रहा है, 4u2, इट मींस यहाँ वेरिएबल चेंज है सर, 4u2 प्लस 8u है। आइए इसको देखते हैं कि सर इसमें तो दो ही टर्म है, ये कैसे बनेगा सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है सर। तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो देखिए यहाँ पे दो ही टर्म है, तो क्या करेंगे, और ही आसान हो गया। इसमें देखिए ये दोनों में आप कॉमन देखिए, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, अगर देखेंगे सर तो 4u कॉमन है दोनों में, तो यहां बच गया u प्लस 2 बच गया। अब ये आपका फैक्टर के फॉर्मेट में आ गया, इट मींस इसको आप लिख सकते हैं 4u इंटू यू प्लस 2, इस फॉर्मेट में हम लिख दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 4u2 प्लस 8u इज 0। ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप जरूर लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इफ कब जीरो होगा, चाहे ये जीरो होगा सर, चाहे ये जीरो होगा, क्योंकि दो का प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया बिना स्प्लिट किए हुए, दो टर्म था कॉमन लिए, मेरा काम बन गया इसमें, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ 4u इज इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर 4u इज इक्वल टू 0 होगा सर, तो u इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बाई 4 क्या हो जाएगा, ये 4 अगर इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 0 आया। और सेकंड, अगर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। तो आपका दो जीरो आ गया, एक 0 एक -2। इट मींस अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 0 करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 और 0 इंटू समथिंग 0। अगर आप -2 भी तो 0 हो जाएगा। कैसे, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
और 4 4 = 16 और यहाँ 8 × -2 - 16 तो -16 + 16 जीरो। इट मीन्स ये दो जीरो आ गया सर। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, वेरीफाई करना। जीरोज तो आ गया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या बताए थे, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज में दोनों जीरोज को सम कर देंगे, तो एक जीरो है मेरा जीरो और प्लस सेकंड जीरोज हमारा माइनस टू है, इज इक्वल टू माइनस का साइन देंगे सर। और कोफिशियंट ऑफ एक्स यहां देखिए यू के फॉर्मेट में है, तो यहां एक्स नहीं लिखेगा, आप लिखेगा कोफिशियंट ऑफ यू। ये चेंज कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट में लिखेंगे सर। तो यहाँ यू स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा रटा रटा है नहीं रखना है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स ही लिखेंगे, जिस फॉर्मेट में आपका क्वाड्रेटिक रहेगा। अगर यहाँ टी रहता तो यहाँ कोफिशियंट ऑफ टी लिखते हम। तो कोफिशियंट ऑफ यू देखिए, इट मींस यू का कोफिशियंट क्या है सर, यू के साथ क्या है इनटू में, 8 है, तो यहाँ 8 आ गया बाई कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 4 है, इट मींस यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है। अब यहाँ पे 0 + -2 - 2 रह गया, यहाँ -8y4 कैंसिल करेंगे तो ये भी 4 × -8 हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया सर, सम ऑफ जीरोज में। एक और बच गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट टर्म बाई, नीचे तो यही रहेगा, कॉफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर होगा क्योंकि U के फॉर्मेट में है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन्स ये दोनों जीरोज को इंटू करेंगे सर, तो 0 × -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म आपका कितना है इसमें, गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि सर इसमें कॉन्स्टेंट टर्म मिस है सर, दो ही टर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखिए दो ही टर्म है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इस टाइप से था, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी 2x + 3 ऐसा था, इट मीन्स कॉन्स्टेंट था, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं है, इसका मतलब उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, जीरो। तो कॉन्स्टेंट टर्म आपका जीरो हो गया और बाई कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर 4 है। तो आपको पता होगा कि 0 × something जीरो होता है और 0 by something भी जीरो होता है सर। तो यहां भी LHS RHS के बराबर आ गया, hence ये भी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग है आपका। यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है सर, t² - 15 है। आप इसको गौर से देखिए, इट मीन्स ये आपको फील होगा, एक आपको फॉर्मूला याद होगा a² - b² काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, क्या होता है a + b (a - b) होता है सर, यही होता है ना। 1 मिनट बोर्ड पे। यहाँ क्वेश्चन है आपका t² - 15, एक फॉर्मूला लिखे है a² - b² = a + b (a - b). अब इसी फॉर्मेट में इसको लाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के लिए सोचना अकॉर्डिंग टू, इसीलिए हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको दिखा रहे हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकता है सर, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, सेकंड हमको बी स्क्वायर, इसका इसको कैसे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे सर, ये तो ऑड नंबर है। तो आपको पता है कि अगर अंडर रूट 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा सर। ऐसा पता है आपको कि अगर कोई भी नंबर रूट में रहे अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता। अगर नहीं पता होगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई भी नंबर अगर √5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा सर। इट मीन्स यहाँ पे क्या किए, हम √15 का स्क्वायर कर दिए तो बताए थे कि रूट कैंसिल हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। इट मीन्स
15 के प्लेस पे हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 के प्लेस पे लिखे हैं रूट 5 का स्क्वायर, उसी तरीका से रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। सिमिलरली हम 15 के प्लेस, अब क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ गया। ये हमारा ए हो गया जो कि टी है और ये हमारा बी हो गया। तो यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो ए मेरा कितना हो गया, अगर ए मेरा हो गया टी सर और इसके अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग बी मेरा कितना हो गया रूट 15, यही हो गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस ए प्लस बी होता ना, तो टी प्लस रूट 15 हो गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका दो फैक्टर आ गया। तो मकसद था मेन फैक्टर के फॉर्मेट में लाना है ना, ये तो समझाने के लिख रहे थे कि ए किसको मानते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ये एक बेसिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उसी फार्मूला को यूज करके हम ये लिखे। अब ये जैसे ही फैक्टर के फॉर्मेट में आ गया सर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे यहां पे आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज जीरो। कब जीरो होगा, इफ चाहे ये जीरो होगा चाहे ये जीरो होगा, इट मीन्स इफ टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो या टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, चाहे ये जीरो होगा सर या ये जीरो होगा। अगर इसको जीरो करते हैं तो यहां से टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 आएगा सर, और यहां से टी इज इक्वल टू रूट 15 होगा क्योंकि निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपका दो जीरोज आ गया, ये जो दोनों आया क्या आया जीरोज आ गया। तो फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है उसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, इट मींस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, सॉरी फिर यहां पे हम एक्स लिख दिए, कोफिशियंट ऑफ टी के फॉर्मेट में है तो यहां टी लिखेगा और यहां टी स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, एक जीरोज मेरा ये है सर ये है, दोनों को नोट कर लेंगे, माइनस रूट 15 और प्लस सेकंड है हमारा रूट 15 इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ टी। अब देखिए टी का कोफिशियंट पूछ रहा है, आप देखते तो इसमें टी कहीं दिख रहा है, टी वाला टर्म ही नहीं है सर, टी स्क्वायर है टी वाला नहीं है, कॉन्स्टेंट है। तो जो टर्म नहीं है उसके प्लेस पे हम लोग जीरो लिखते हैं, बाई कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है सर, यहाँ टी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स वन है, तो यहाँ पे वन लिखेंगे। अब ये देखिए जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए जीरो, और इधर भी ये क्या होगा जीरो बाई वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सर, ये प्लस माइनस। तो यहाँ आपका एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, इट मीन सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया सर, लेकिन एक और चाहिए रिलेशनशिप के लिए, एक सम ऑफ जीरो और अगल नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉन्स्टेंट टर्म। ये सारा जितना लैंग्वेज है सब आप लिखिएगा, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ ये टी के फॉर्मेट में है तो टी स्क्वायर। अब प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट कीजिए दोनों को, इट मीन्स माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 15 नहीं लिखिएगा, माइनस 15 है सर, तो माइनस 15 बाई कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1 है सर, तो ये 1 हो गया। अब आपको एक बेसिक अभी जस्ट हम बताए थे कि किसी भी नंबर का रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया रूट 5 इंटू रूट 5 दो बार,
स्क्वायर का मतलब यही ना, तो रूट कैंसिल होके 5 हो गया सर। सेम केस यहाँ पे है, रूट 15 इंटू रूट 15, तो रूट कैंसिल होके 15 हो जाएगा और माइनस का साइन बाहर है तो माइनस 15 इज इक्वल टू, इधर भी माइनस 15 है सर, इट मीन्स ये भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। देयरफॉर क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया, आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, किसके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, आप इसको सोल्व कीजिए, इसमें भी जीरोस निकालना है सर और रिलेशनशिप फाइंड करना। यहाँ एक क्वेश्चन बना हुआ है, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था सर। सबसे पहले इसको क्या किए, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए। हम आपको बताए थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को इंटू करते हैं, तो माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 12। हम आपको एक हिंट किए थे कि अगर दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ गया सर, तो जो मिडिल टर्म होगा आपका, उस एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा पक्का। अब कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा वो तय करेगा मिडिल वाला टर्म, है ना। अब यहाँ पे 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों को, अगर ये दो टर्म में ऐसा ब्रेक करें कि दो का प्रोडक्ट माइनस 12 आए और सम करें तो माइनस एक्स आए। यहाँ 12 एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ वेरिएबल को हम इग्नोर करके सिर्फ कॉन्स्टेंट कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जैसे ही आप ब्रेक कीजिएगा 4 और 3 में, तो 4 माइनस 4 इंटू 3, अब आप बोल सकते हैं कि सर माइनस 4 इंटू 3 भी 12 होता है और 4 इंटू माइनस 3 भी माइनस 12 होता है, तो हम ये दोनों में से कौन लेंगे सर। तो यहाँ क्या करना है, दो का सम करना है, इट मीन्स 4 प्लस माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस 4 प्लस 3 करते हैं तो माइनस 1 होगा और हमको बीच वाला टर्म निगेटिव चाहिए सर, इट मीन्स ये चाहिए, इट मीन्स ये वाला होगा जो बड़ा होगा उसको निगेटिव लेंगे और जो छोटा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। ये है छोटा चीज लेकिन कंसेप्चुअल है, अगर यही आप स्टार्टिंग में ही आपसे गलती हो जाएगा तो बाकी रिमेनिंग आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा आराम से इसी को एक्सप्लिट करना है मिडिल टर्म को। ये जैसे एक्सप्लिट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों में देखे एक्स कॉमन है, और एक हिंट देता, हम आपको बताए थे कि जो कॉमन यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, देख रहे हैं वही टर्म यहाँ है सर, तो वैसे में क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे और सेम एज उसको लिख दिए। अब ये 3x माइनस 4 दोनों में है, एक में x एक में 1 लिख दिए, मकसद मेन इसी को समझाना, बाकी तो सब आपका क्लियर है ही। उसके बाद जीरोज करने के लिए एक बार इसको जीरो किए, एक बार इसको जीरोज किए, फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, दोनों हमारा सेम आ गया सर, एक 1/3 1/3, एक -4/3 -4/3, यही आया था ना। तो इस तरीका से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा सर, विथ द गिवेन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, इट मीन्स इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है सर, है ना। क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज, यहाँ 6 क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, 2 का फर्स्ट पे आते हैं कि बनेगा कैसे सर, 1/4 और माइनस 1, यही दो डेटा है ना, ये दो डेटा दिया हुआ है, तो ये क्या क्या है सर। पहला जो आपका है सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज है 1/4, और सेकंड जो दिया हुआ है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1 है, ये दो डेटा गिवन है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा यहाँ पे लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा, यहाँ आप नाम को सिर्फ अभी लिखिए, हम इसके बारे में बता रहे हैं कि लेट अल्फा एंड इसको बीटा बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स अभी आप जो जीरोज निकाल रहे थे क्वेश्चन नंबर वन में, इट मीन्स जीरोज का मतलब वो वैल्यू कि अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखे सर तो उसको जीरो कर दे, उसी जीरोज को अल्फा और बीटा बोला जाता है। एक अलग नेम है अल्फा और बीटा, एक नाम है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए देखिए हम लिखे हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ये भी जीरोज ही है सर। और एक पॉलिनोमियल माने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या चीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम माने हैं अल्फा और बीटा। अब आइए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे कि माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। सम ऑफ जीरोस आपका गिवन है, लेकिन हम यहां अल्फा और बीटा माने हैं तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा को जीरोज कंसीडर किए हैं ना लेट, तो सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, ये दोनों जीरोज का सम कर दिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहां क्या लिखेंगे सर, अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जो आपका गिवन है, जिसको हम लोग किए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को लेकर नोट करना। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है आपका दिए हुए यहां, बी है, तो माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, ए लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ कितना, वन बाई फोर, तो इसके प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वन बाई फोर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहां पे एक स्टेप समझना है कि जैसे ही ये आ गया वन बाई फोर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो आप यहां पे इक्वेट करके आप वैल्यू ले आइएगा। क्या ऊपर वाले को ऊपर से इक्वेट करना सर, नीचे वाले को नीचे से इक्वेट करना, तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया, देयरफोर बी इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा। तो सिमिलरली ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू फोर। तो ये आप लिखिएगा जब भी ऐसा आएगा सर, तो ऊपर वाले को ऊपर से इक्वेट कर देंगे और नीचे वाले को नीचे से इक्वेट कर देंगे। इस तरीका से हमारा दो वैल्यू हमारा आ गया ए और बी, क्लियर हो गया। ए हमारा फोर आया, बी हमारा माइनस वन आ गया। सेम उसी तरीका से अब क्या करेंगे, एक और बच गया, सम ऑफ जीरोज तो हो गया सर, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वहां पे, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब ये दोनों जो जीरोज है उसको इनटू अल्फा इनटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिएगा, तो कांस्टेंट इट मींस यहां सी से जो लिखा हुआ सर वही कांस्टेंट है, और बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किए हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है सर। अब अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपका, ये जो गिवन, ये जो दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस वन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की तरफ यहां माइनस वन आ गया और ये सी बाई ए रह गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर दीजिए। अब क्या कीजिए, लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ, ए का वैल्यू आपको पता है ना, ए का वैल्यू आपको पता है, तो आप यहां पे पुट कर सकते हैं। इट मीन्स यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करके क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, जैसे ही इक्वेशन वन में ए का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू सी वाई फोर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर तो सी इज इक्वल टू माइनस फोर। इट मीन्स हमारा ए बी सी तीनों आ गया, ए कितना आ गया सर, ए आपका यहां पे हम ऊपर लिख देते हैं, ए हमारा आ गया फोर, बी हमारा आ गया माइनस वन,
और सी आ गया माइनस फोर। ये तीन वैल्यू आपका आ गया, ए बी सी आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, जैसे ये तीनों आ गया, ये जो जिस पॉलिनोमियल माने थे इसमें पुट कर देना है ए बी सी के प्लेस पे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने बोल रहा सर, जिसको हम लेट कर लिए हैं और यहां से ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मींस ax square प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें ए बी सी के प्लेस पे पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4x square, बी माइनस वन है तो इसको माइनस एक्स कर देगा सर, और सी माइनस है तो ये माइनस फोर हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया। इट मींस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे आज एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा उसको करेंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट सबको।